फातिमा विद्यालय होगा और उसमें जो अति पिछड़ा समाज के बच्चे हैं, जो दलित परिवार के बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए मुख्य रूप से यह स्कूल होगा। तो ऐसा विद्यालय हम खोलेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हम करेंगे, इसका भी वचन लोगों को देते हैं। सरकारी अस्पताल हम दुरुस्त करेंगे हर तरह से। और फिर दो सौ की आबादी पर प्रत्येक गांव में, माफ कीजिएगा, 2000 की आबादी पर एक गांव क्लिनिक बनाएंगे। 2000 प्रत्येक 2000 की आबादी पर एक गांव क्लिनिक बनाएंगे और शहर में वार्ड के स्तर पे हर वार्ड में एक वार्ड क्लिनिक हम बनाएंगे। आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पताल में बिस्तरों की सुविधा, पेशेंट के लिए बेड और फिर बाकी सुविधाएं भी हम देंगे। चमकी बुखार जो बिहार में दशकों से, कई वर्षों से हर साल इसके चलते बच्चे मरते हैं, गरीब घर के बच्चे, तो कुपोषण रोकने के लिए भी हम करेंगे और साथ ही साथ चमकी बुखार के रोकथाम के लिए अलग से हम इंतजाम करेंगे। सीमांचल, कोसी और जो पिछड़ा इलाका है उन इलाकों में हम सुपर मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल संस्थान की स्थापना करेंगे। साथ ही साथ पढ़ाई दवाई के अलावा कमाई, जो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग, नौजवान, मजदूर परेशान होते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, सिर्फ पेट पालने के लिए वहाँ घूमते रहते हैं, उनके लिए बिहार की धरती पर ही रोजी रोटी रोजगार की उपलब्धता हम सुनिश्चित करेंगे और उसके लिए कई काम करने होंगे, इसका भी वचन हम बिहार की जनता को देते हैं। जो काम रोजगार सृजन के लिए करना है उसमें मुख्य रूप से दो तरह का इंतजाम होगा, एक तो तुरंत लोगों को रोजगार मिल पाए और एक थोड़ा समय लगेगा उद्योग इत्यादि की स्थापना करने में, तो उसमें अस्थायी रूप से लोगों की समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। तो जो तुरंत रोजगार मिले उसके लिए भारत की सरकार जो मनरेगा चलाती है उसी के तर्ज पे हम बिहार सरकार के खर्चे से योजना चलाएंगे, जिस योजना का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती कृषि रोजगार योजना उसका नाम होगा। इसमें मुख्य रूप से किसान के खेत में जो मजदूर काम करते हैं, यह मांग देश भर से उठती रही है भारत सरकार के समक्ष कि भारत सरकार मनरेगा में ऐसी व्यवस्था करे कि किसान के खेत में जो मजदूर काम करते हैं उसका भुगतान मनरेगा के फंड से हो, ताकि मजदूरों को रोजगार भी मिले और किसानों को भी सहूलियत मिले। तो भारत की सरकार अब तक इस मांग को नहीं कर पाई है, तो बिहार सरकार के खर्चे से अलग से हम एक उस तरह की योजना चलाएंगे जिसका नाम हमने कहा स्वामी सहजानंद सरस्वती कृषि रोजगार योजना। विशेष रूप से किसानों के खेत में मजदूर काम करेंगे, उनको मजदूरी मिलेगी और किसान को सहूलियत मिलेगी और रोजगार का इससे अवसर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। साथ ही साथ छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी रोजगार सृजन के लिए। तो जिन जिलों में, जिन इलाकों में जिन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा किसान भाई करते हैं, उन उत्पादों पर आधारित उन इलाकों में उद्योग की स्थापना सरकार भी करेगी और साथ ही साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको आकर्षित करने की भी हम नीति बनाएंगे। और उसके लिए हमने कुछ बात इसमें कही है, जमीन उनको उपलब्ध कराने का मामला हो या छोटा से छोटा इशू, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, इसके लिए इफेक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम हम बनाएंगे। कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको जमीन चाहिए, बाकी सुविधा चाहिए, तो एक जगह आकर आवेदन करेगा और वहाँ से सारी चीज़ों को उपलब्धता हम सुनिश्चित करेंगे। और फिर उसमें जो जिन चीज़ों का उत्पादन करेंगे
उद्योग की स्थापना के बाद उत्पादन, उन चीज़ों के लिए हम सरकार जो अपने विभाग में किसी भी चीज़ का उपयोग करती है, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग सरकार के विभाग में, पर्दा बनाने के लिए कपड़ा का उपयोग, तो इन चीज़ों की खरीदगी उन्हीं उद्योगों से जो उद्योग बिहार में होंगे उन्हीं उद्योगों से खरीदकर राज्य सरकार का कोई भी विभाग बाध्य होगा कि वहीं से